Lifafa. Don't forget to hit the subscribe button and click the bell icon for more such updates. So guys, आज हम बात करेंगे कुछ interesting topic पे. अब वो interesting topic क्या होगा? Facebook का logo आप सब लोगों ने देखा होगा. Samsung का logo आप सब लोगों ने देखा होगा. Intel का logo आप सब लोगों ने देखा होगा. LinkedIn का logo आप सब लोगों ने देखा होगा. अब आप सोच रहे होंगे मैं इन सारे brands के बारे में क्यों discuss कर रही हूँ? तो गाइस, इन सब ब्रांड्स में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है. वो चीज़ क्या है? क्या आप गेस कर सकते हैं? अगर हाँ तो गुड, अगर नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ. इन सब ब्रांड्स में एक चीज़ जो कॉमन है वो है ब्लू कलर. अब इस ब्लू कलर के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? इस ब्लू कलर का क्या इम्पोर्टेंस है मेरी वीडियो में? तो गाइस, आज हम बात करेंगे इन ब्लू कलर्स के बारे में जो इन ब्रांड से लिंक्ड है और जो इन ब्रांड्स को एक साथ कंबाइन करती है. तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ये सारे जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं, मोस्ट ऑफ द पॉपुलर ब्रांड्स हैं, वो अपने ब्रांड लोगों में ब्लू कलर का यूज़ क्यों करते हैं? आखिर क्या रीज़न है वो ब्लू कलर को अपने ब्रांड्स में यूज़ करने का? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, व्हाट कम्स योर माइंड व्हेन यू हियर ब्लू कलर? सी, स्काई, वाटर. एनीथिंग एल्स विच यू हियर, विच यू थिंक व्हेन यू हियर ब्लू कलर? या सम ऑफ दोज पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड इन ब्रांड, कि हाँ यार ब्लू कलर का वो ब्रांड का लोगो है, जैसे सैमसंग का लोगो है, फेसबुक का लोगो है, डेल का लोगो है, लिंक्डइन का लोगो है. तो हम अगर हम स्काई, सी, इनसे अलग ब्लू कलर के बारे में कुछ सोचते हैं तो हमारे माइंड में ये ब्रांड स्ट्राइक करते हैं. अब कंपनी क्यों इन ब्रांड्स को मैं ब्लू कलर लेके आती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम ये जानेंगे कि ब्लू कलर किस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और ब्लू कलर का एग्जैक्ट मीनिंग है क्या. करेक्टली एंड सिमिलर एसोसिएटेड विद ट्रस्ट, हारमोनी, पीस एंड पेशेंस. या सो इन सब से मिलके एक ब्लू कलर बनता है. ब्लू कलर का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि ब्लू कलर की वजह से पॉजिटिविटी आती है. एक साइंटिस्ट ने 1940s में रिसर्च की थी कि ब्लू कलर से लोग इतने ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि ब्लू कलर एक ऐसा कलर है जिससे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये एक पीस का सिंबल है, ये एक ट्रस्ट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, हारमोनी के लिए, पीस के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए. तो ये एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करता है अगर हम ब्लू कलर की बात करते हैं, अगर हम ब्लू चीज़ें देखते हैं. जैसे कि हम मोस्टली किन ब्लू चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं? सी से, ओशन से, क्लीन वाटर से, क्लीन स्काई से, हम इन ब्लू चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं. अब कंपनी ब्लू कलर को अपने लोगों में क्यों यूज़ करती है? सो कंपनी अपने ब्रांच में ब्लू कलर का यूज़ इसलिए करती है क्योंकि पीपल आर मोर लाइकली टू ग्रैब पॉजिटिव वाइब्स विद दैम. हम कोई भी अगर नेगेटिव चीज़ की बात करते हैं तो हम वो बहुत ही रेयर चांस होता है कि हम उसको ब्लू कलर से लिंक कर रहे हैं. जैसे कि हम ब्लैक को भी कई कई बार नेगेटिविटी से लिंक कर देते हैं, लेकिन हम ब्लू को मोस्ट लाइकली हम कभी भी नेगेटिविटी से लिंक नहीं करते. इसलिए ब्रांड्स का मेन मोटिव क्या होता है कि वो एक ऐसे कलर को यूज़ करें जिससे पॉजिटिविटी इन्वायरमेंट में क्रिएट हो. तो ब्लू कलर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अपने इन्वायरमेंट में क्रिएट होती है. इसलिए आप देखिए किसी भी ब्रांड का, मोस्ट ऑफ द ब्रांड का जो कलर कॉम्बिनेशन में होते हैं वो ब्लू होता है. जैसे कि मैंने आपको कई एग्जांपल्स ऑलरेडी दी हैं. अब मैं आपको एक टिप पॉइंट बताती हूँ, एक स्ट्रैटेजी बताती हूँ अगर आपको अपना ब्रांड का लोगो इस्टेब्लिश करना है तो. यूज़ ओनली टू और मोर, नॉट मोर देन टू कलर्स इन योर ब्रांड लोगो. उससे क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा कलर यूज़ कर लेते हो अपने लोगों में तो ह्यूमन नेचर है कि वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है. एंड मैंस आर मोर कन्फ्यूज इन कलर्स रेदर दैन वुमेंस. सो आई प्रेफर नॉट टू यूज़ मोर देन टू कलर्स इन योर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांड लोगो. प्रेफर टू वन और टू कलर कॉम्बिनेशन इन योर ब्रांड लोगो, इट विल हेल्प यू. सो या गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, do give a thumbs up and also subscribe my channel.